राजस्थान को जीत के लिए 6 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी। पंजाब की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे अर्शदीप सिंह, फिर आया शेमरॉन हेटमायर का येंसा तूफान की पंजाब से छीन ली जीत। दोस्तों, आईपीएल का 27वां मुकाबला इस साल का सबसे रोगटे खड्डी डीडीचे कर देने वाला मुकाबला बन गया। तो आखिरकार किस तरह से पूरे मुकाबले ने बदली करवट और क्या रहा पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट्स, हम पूरा हाइलाइट्स बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही एक लाइक करना न भूलें, हमारी वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक है, साथ ही हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महा मुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अथर्व तायडे और जॉनी बेयरस्टो के कंधों पर इस महा मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पंजाब की इस ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत में राजस्थान की गेंद बाजी पर अपने टीम को एक महत्वपूर्ण शुरुआत दिलाई। लेकिन यह साझेदारी राजस्थान की गेंदबाजी के आगे ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और फिर गेंदबाजी पर आए आवेश खान ने अथर्व तायडे को कुलदीप सेन के हाथों कैच आउट कर दिया। अथर्व तायडे 12 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अथर्व तायडे के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके जॉनी बेयरस्टो के साथ मिलकर प्रभसिमरन सिंह ने पंजाब की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए युजवेंद्र चहल ने प्रभसिमरन सिंह को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह 14 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की शानदार गेंदबाजी के आगे पंजाब को एक खराब शुरुआत मिल चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान सैम करन मैदान में उतरे, लेकिन तभी राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने केशव महाराज को गेंद थमाई और केशव महाराज ने आते ही सेट हो चुके जॉनी बेयरस्टो को सिमरन हिटमायर के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉनी बेयरस्टो 19 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब के टॉप ऑर्डर की राजस्थान की गेंदबाजी ने धज्जियां उड़ा दी थी। कोई भी पंजाब का बल्लेबाज इस मुकाबले में राजस्थान की गेंदबाजी के आगे ठीक नहीं पा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए जितेश शर्मा मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे पंजाब के कप्तान सैम करन को केशव महाराज ने ही ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। पंजाब के कप्तान सैम करन 10 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। पंजाब की टीम ने केवल 52 रनों पर अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। अब मैदान पर शशांक सिंह उतरे थे, लेकिन एक छोर से जितेश शर्मा पंजाब के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शशांक सिंह को कुलदीप सेन ने ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शशांक सिंह इस मुकाबले में बस 9 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की बल्लेबाजी के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन एक छोर पर जितेश शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। अब उनका साथ देने लियाम लिविंगस्टन मैदान में उतरे और फिर लियाम लिविंगस्टन और जितेश शर्मा ने यहां से पंजाब की पारी को आगे बढ़ाया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। बल्लेबाजी के लिए आए लियाम लिविंगस्टन इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी सेट हो चुके जितेश शर्मा को आवेश खान ने रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। जितेश शर्मा 24 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। सेट हो चुके जितेश शर्मा के आउट होते ही फिर एक बार पंजाब की टीम बैकफुट पर थी। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन अपने गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब आशुतोष शर्मा मैदान में उतरे थे और फिर आशुतोष शर्मा ने सेट हो चुके लियाम लिविंगस्टन के साथ मिलकर अब अंत के ओवरों में राजस्थान की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। लेकिन सेट हो चुके लियाम लिविंगस्टन को इसी बीच संजू सैमसन ने रन आउट कर दिया। लियाम लिविंगस्टन 14 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अंत के ओवरों में आशुतोष शर्मा ने फिर एक बार पंजाब के लिए लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए आवेश खान को आशुतोष शर्मा ने दो गजब के छक्के लगा दिए। आशुतोष शर्मा ने इस पारी में अंत के ओवरों में पंजाब की टीम के लिए 16 गेंदों में 31 रनों की गजब की पारी खेली और इसी के चलते पंजाब की टीम ने अंत में 147 रनों का लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद पंजाब से मिले 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और तनुष कोटियान के कंधों पर इस महा मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही पंजाब की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया। खराब फॉर्म से जूझ रहे यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में राजस्थान की टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही दूसरे छोर से तनुष कोटियान भी उनका साथ बखूबी निभा रहे। दोनों की यह साझेदारी अब पंजाब की गेंदबाजी पर दबाव लगातार बढ़ा रही थी और फिर देखते ही
ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। पंजाब के कप्तान सैम करण अब दबाव में दिखने लगे थे। यशस्वी जायसवाल और तनुष कोटियान ने मिलकर अब अपनी टीम को 56 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए लियाम लिविंगस्टन ने तनुष कोटियान को क्लीन बोल्ड कर दिया। सेट हो चुके तनुष कोटियान 31 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन मैदान में उतरे और फिर यहां से कप्तान संजू सैमसन और सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी पारी का 12वां ओवर डालने आए कागिसो रबाड़ा ने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 28 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहां से पंजाब की गेंदबाजी के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था। अब बल्लेबाजी के लिए इनफॉर्म रियान पराग मैदान में उतरे, लेकिन तभी कागिसो रबाड़ा ने अपने अगली ही ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को LBW आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन 14 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। दबाव अब पूरी तरह राजस्थान के बल्लेबाजी पर था। अब ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से ध्रुव जुरेल और रियान पराग ने मिलकर राजस्थान की पारी को आगे बढ़ाया और फिर यहां से रियान पराग ने इस मुकाबले में भी धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। अब राजस्थान को जीतने के लिए आखिरी 4 ओवरों में 43 रनों की जरूरत थी। मुकाबला रोमांचक हो चुका था और फिर इस पारी का 17वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह को इस ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने एक गजब का छक्का लगा दिया, लेकिन फिर इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने रियान पराग को कागिसो रबाड़ा के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग 18 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। रियान पराग का बड़ा झटका लगने के बाद अब राजस्थान की टीम और भी ज्यादा दबाव में थी। बल्लेबाजी के लिए सिमरन हिटमायर मैदान में उतरे। अब राजस्थान को आखिरी 3 ओवरों में 34 रन चाहिए थे। अब इस पारी का 18वां ओवर हर्षल पटेल डालने आए, लेकिन हर्षल पटेल ने अपने इस ओवर में ध्रुव जुरेल को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुरेल 11 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर में सिमरन हिटमायर ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में राजस्थान को 14 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 20 रन चाहिए थे। मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो चुका था। अब इस पारी का 19वां ओवर सैम करण डालने आए और सैम करण की इस ओवर की पहले 2 गेंदों पर नए बल्लेबाज रोमन पोवेल ने 2 लगातार चौके लगा दिए, लेकिन फिर इस ओवर में रोमन पावेल को सैम करण ने जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। रोमन पावेल 5 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर में सैम करण ने नए बल्लेबाज केशव महाराज को भी लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। केशव महाराज 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इस ओवर में अब राजस्थान को 10 रन मिल चुके थे। अब आखिरी ओवर में राजस्थान को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, लेकिन इस पारी का आखिरी ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने स्ट्राइक पर खड़े सिमरन हिटमायर को पहली 2 गेंदों पर 1 भी रन बनाने नहीं दिया। अब राजस्थान की टीम को आखिरी 4 गेंदों में 10 रन चाहिए थे, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर सिमरन हिटमायर ने गजब का छक्का लगा दिया। अब राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत थी और फिर इस ओवर की 4थी गेंद पर सिमरन हिटमायर ने 2 रन दौड़ लिए। अब आखिरी 2 गेंदों पर राजस्थान को जीत के लिए 2 ही रन चाहिए थे। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था, लेकिन फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह को सिमरन हिटमायर ने एक शानदार छक्का लगाते हुए राजस्थान की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 3 विकेट से जीता दिया। दोस्तों, इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले महामुकाबले में राजस्थान की टीम ने गजब का प्रदर्शन करके दिखाया। अंत में पंजाब की लाजवाब गेंदबाजी के आगे सिमरन हिटमायर ने अपने बल्ले से राजस्थान को इस मुकाबले में जीता दिया। सिमरन हिटमायर ने इस मुकाबले में 10 गेंद में 27 रनों की मैच जिताने वाली पारी खेली। दोस्तों, इस महामुकाबले में जीत का सबसे बड़ा हीरो आपके अनुसार कौन रहा? महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर दें। साथ में राजस्थान की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे हमें बताएं, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।